पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान किसानों के लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि अब खेती बाड़ी के काम CNG से चलने वाले ट्रैक्टर से किए जा सकेंगे। आज अब से कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे। इस मौके पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री VK सिंह और राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमेसेटो अलीचे इंडिया कंपनी ने ट्रैक्टर में CNG किट लगाई है। इस CNG ट्रैक्टर से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। CNG ट्रैक्टर से जहां खेती किसानी की लागत कम होगी, वहीं किसानों को आए दिन बढ़ने वाली डीजल की कीमतों से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा CNG ट्रैक्टर से प्रदूषण भी कम होगा। दावा किया जा रहा है कि CNG इंजन वाले ट्रैक्टर की लाइफ डीजल इंजन ट्रैक्टरों से अधिक होगी और इनका माइलेज भी अधिक होगा। ये भी कहा जा रहा है कि CNG ट्रैक्टर से किसानों को हर साल ईंधन में 1,00,000 रुपये तक की बचत होगी। आपको CNG से कुछ फ़ायदे बताते हैं। CNG एक स्वच्छ ईंधन है, इससे कार्बन और अन्य प्रदूषकों की मात्रा सबसे कम है। CNG बहुत किफ़ायती है, क्योंकि इसमें सीसा लगभग शून्य के बराबर है। ये किसानों को ईंधन की लागत पर 50% तक की बचत करने में मदद करेगा। जहां इस समय डीजल की कीमत 78 रुपये प्रति लीटर है, वहीं CNG केवल 42 रुपये प्रति किलोग्राम में मिलता है।